करतारनगर चौथा पुस्ता यमुना खादर में चल रही श्रीमद् अग्नि महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ समारोह, यह कथा पिछले 13 दिसंबर से चल रही है। लोक विख्यात कथा व्यास परम पूज्य संत श्री कौशिक जी महाराज को देखने व सुनने के लिए चाहिए। मंदिर के ऊपर गुम्मट और उसके ऊपर कलश और ध्वजा का वर्णन किया, क्या सुंदर बात है ये। अब भी कर लिया है कि मुझे मंदिर बनाना है। तस काया गतम पापम तद् वाहि प्रसति, उसके जीवन के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तथा इस कथा का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से हजारों की संख्या में आ रहे हैं। बदावर सेवा ब्रजमंडल समिति के द्वारा समाज को सुधारने के लिए, समाज को सदमार्ग पर ले जाने के लिए पढ़ लिया है इस क्षेत्र में, इसी जगह गुरु कौशिक जी महाराज के द्वारा 18 पुराणों की कथा यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुधारने के लिए और संस्कृति पर चलने के लिए प्रेरित करे, ऐसा समिति ने पढ़ लिया है। और समिति का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ हजारों युवा, उनकी माताएं, उनके पिता यहाँ सुनने के लिए आते हैं, उन्हें समय मिलता है। मैं सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि जो समिति की ओर से इतनी मेहनत करने के बाद जो उद्देश्य है वो जब ही सिद्ध होता है कि सभी भक्त यहाँ सुनने आए और अपने जीवन में उतारें। जो क्षेत्र के अलावा सारी दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनका तो मैं बहुत ही चरणवंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो गुरुजी के द्वारा श्रवण करने के बाद अन्य क्षेत्र में उसका प्रचार करेंगे, सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और उनसे मैं निवेदन भी करता हूँ कि डेली रोज़ाना किसी नागा के बगैर यहाँ उपस्थित भी रहते हैं महाराज जी के कथा सुनने के लिए। यहाँ भदावर सेवा मंडल के तत्वावधान में अग्नि पुराण की कथा चल रही है और ये कोई नाम के लिए नहीं है, कथा प्रभाव के लिए नहीं है। हमारी युवान पीढ़ी अपने उस खोए हुए सनातन को पहचाने। सनातन एक संगठन नहीं है, मानव जीवन कैसे ठीक से जिया जाए उसके लिए एक सुंदर से सूत्रों का वर्णन हमारी सनातन संस्कृति में है। जब कोई नहीं था तब ये संस्कृति थी और जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेगी। हम क्या करें और क्या नहीं करें, हमें क्या करने से उसके परिणाम क्या होंगे और नहीं करने से उसके क्या परिणाम होंगे, और सबको ये सुखद संदेश देने के लिए भदावर वृषसेवा मंडल विगत 13 वर्षों से धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक ये आयोजन करा रहा है। उनका ये 13वां आयोजन है जिसमें किसी भी प्रकार का किंचन मात्र कोई स्वार्थ नहीं है। बस आज की पीढ़ी युवान अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को ये समझे, क्योंकि उस देश का विकास होता है जहाँ का युवान समझदार होता है, प्रगतिशील होता है, कर्मठ होता है। कर्म में कितनी ताकत है, भगवान कृष्ण का संदेश हम लोगों के पास तक पहुँचा रहे हैं। मर्यादा में कितनी बड़ी ताकत है, हम प्रभु राम का संदेश सबके पास तक पहुँचा रहे हैं। वृद्धों का आदर मान सम्मान करने में कितनी बड़ी ताकत है कि धरती का अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने विजय की ध्वजा ऊंची करता है वृद्धों का सम्मान करने से। ये संदेश लोगों के पास तक पहुँचे उसके लिए आयोजन अनवरत विगत कई वर्षों से चल रहा है और घर घर में ये संदेश पहुँचे, ये सुगंधि पहुँचे, जगत का कल्याण हो। हमारे उपनिषद 3 बातें बोलते हैं, असत्य से हम सत्य की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें और मौत से हम अमरता की तरफ चलें। इन 3 सूत्रों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये भदावर सेवा मंडल के तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के आधार में यही चीज़ है, हम मरने के बाद भी जिंदे रहें, हम अज्ञान में रहते हुए ज्ञान के पहाड़ पर बैठ जाएं और हम विचारशीलक बने, ये संदेश सबके पास तक पहुँचे। इस अग्नि महापुराण की कथा का यही श्रेय है, यही आधार है। आप सब मीडिया वर्ग के मानभावों का आपका बहुत बहुत आदर मान और सम्मान है कि हमारी बात सबके पास तक पहुंचाने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। और हमारी इस पत्रकार वार्ता में, इस मीडिया में, सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यदि ये धर्म अध्यात्म बना रहेगा तो देश को और धर्म को निश्चित रूप से गति मिलेगी। धर्म सबका आदर के लायक है, धर्म सबका मान के लायक है,
धर्म का अर्थ है जो हमें जीना सिखाए, धर्म का अर्थ है जो हमें मरना सिखाए। और आप यहाँ तक आए हैं इस भरे पंडाल परिसर में आपका बहुत सम्मान है, आदर और मान है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, अखंड भारत की जय हो, जय हिंद, जय भारत। जी मैं कथा कई घंटे से देख रहा था, सुन भी रहा था, और माताएं बहना और बुजुर्ग भी यहाँ दिखे, युवा नहीं दिख रहे, क्या कहेंगे, पूजा पाठ से अलग होते जा रहे हैं, तो कथा कम सुनते हैं। ये माताएं सब उन युवा बच्चों को पूरी बातें बताती हैं, और वो युवा मुझे सुबह मिलने को आते हैं, चलो ठीक है दिन में ये व्यस्त हैं, फिर भी इन कथाओं से बहुत फर्क पड़ा है। मेरे सामने ये पांच चार देखो ये युवा खड़े हैं मेरे ठीक सामने, कितना परिवर्तन है यहाँ इस क्षेत्र में, इन कथाओं के द्वारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बात नहीं है, युवा आते भी हैं, जाते, मुझे सुबह भी मैं 7 बजे से मिलता हूँ, बहुत भीड़ होती है मेरे पास में, और उस समय मेरे पास में 15 से 35 साल के बीच के होते हैं बच्चे, युवान वयस्क, सुबह भी इनसे मुलाकात होती है, और यहाँ से जो कहा जाता है उसको ये मानते हैं। और एक बात का और मैं निवेदन कर दूं, ये युवाओं के ही संस्कार हैं कि उनके माता पिता पंडाल परिसर में बैठे हैं, इतनी बड़ी तादाद में, हाँ ये वही भेज रहे हैं हमारे मुख्य जयमान, इनका बेटा और उन्होंने कहा नहीं मम्मी पापा पूरा समय निकाल करके यहाँ ये कथा सुनेंगे। तो यहाँ का एक युवा वर्ग, ये नहीं कि तो ये मेहनत है, इतना बड़ा आयोजन करना तो होता है, लोग सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ का युवा वर्ग जो अपने माता पिता को वो व्यस्त होता है, कोई स्कूटर से, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, सब बच्चे छोड़ करके यहाँ जाते हैं, और यहाँ का युवा वर्ग बहुत सम्मान के लायक है, बहुत ही अच्छी अनुभूति, पूरे 5 घंटे और इसलिए कि अपने जीवन की आपाधापी में सुबह से शाम तक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए तो कार्य करते रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय अनुभूति जो लेनी है तो वो इन 9 दिनों में जो कथा हो रही है उसमें प्राप्त होती है। ईश्वर को इतने करीब से जानना, इस सारी कथा में उसका वर्णन और कौशिक जी महाराज जी के मुखारविंद से सुनना, महंत नवल किलोदार जी के सानिध्य में सुनना, इतना सुखद अनुभव है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सभी माताओं बहनों और भाइयों को प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, इस कथा की ये महत्व को समझते हुए प्रणाम करता हूँ। भगवत कथा सुनने का सौभाग्य भगवत कृपा से हमें प्राप्त होता है। ये तत्र आपने राम कथा भागवत कथा सुनी है, परंतु यहाँ प्रतिवर्ष भदावर ब्रज समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष एक नए पुराण की कथा होती है। हमारे यहाँ 18 पुराण, इस बार अग्नि पुराण की कथा हो रही है। अग्नि पुराण में मंत्र क्या है, न्यास क्या है, आवाहन क्या है, किस देवता की पूजा करने से क्या हमें प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा कैसे हो, हमारा जीवन प्रतिष्ठित कैसे हो, जीवन का संविधान, जीवन का आचरण कैसा हो, उस प्रकार की कथा यहाँ पर हो रही है। जैसा संशोधन करके लोगों के जीवन में एक नयापन आएगा, नई जागृति होगी। सब्सक्राइब करें।